हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आज बाल मनोविज्ञान का तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो हमने पढ़ा दिया है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड में बहुत ही आसान एग्जांपल लेके मैंने उन दोनों वीडियो में बताया है आपको, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान में यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ पढ़ेंगे यानी कि स्टडी मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी विधियाँ हैं जो हमारे मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है निरीक्षण विधि। ठीक, पहला आता है निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके तहत दो चीज़ें आती हैं, एक होता है अंतर्दर्शन विधि और दूसरा है बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का मतलब स्वयं का निरीक्षण यानी कि आत्मनिरीक्षण। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका यूपी टेट का रिजल्ट आया, ठीक, अगर मान लीजिए कि इसमें किसी बच्चे का मान लीजिए कि फेल हो गया, कोई बच्चा मान लीजिए फेल होता है, तो वो खुद से आत्मनिरीक्षण करेगा कि आखिर मैं किस वजह से, कि ऐसे मैंने क्या गलती कर दी, कौन सा मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा कम नंबर आया जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो वो अपने से अपने आप का आत्मनिरीक्षण करेगा कि आखिर कौन सा, तो वो अगली बार क्या करेगा उस सब्जेक्ट पे, अगली बार जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करेगा। और एक होता है बहिर्दर्शन विधि यानी कि दूसरा कोई, जैसे आपका आपके आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर जो ऑलरेडी टेट वेट निकाला हो या मान लीजिए जो पढ़ाता हो बच्चों को, वो आपके बारे में देखेगा कि भाई आखिर तुम फेल क्यों हुए, यूपी टेट में तुम्हारा रिजल्ट क्यों। तो आप उससे पूछे जाओगे कि जैसे मान लीजिए आपके भैया हो या जो भी हो, कि भैया बता मेरा रिजल्ट आया यूपी टेट का, उसमें मेरे इतने वजह से मेरा इतने नंबर से मैं फेल हो गया। तो वो कहेगा अच्छा ये बताओ अपना रिकॉर्ड दिखाओ, अपना जो रिजल्ट आया है यूपी टेट का उसको दिखाओ। तो उसमें देखेंगे यार कि हिंदी में इसका सही है, CDP में भी सही नंबर है, संस्कृत और इंग्लिश में भी सही नंबर है। तो वो देखेंगे कि आखिर किस सब्जेक्ट में इसका थोड़ा सा मतलब कम नंबर आया। तो वो मान लीजिए देखेंगे भाई जनरली क्या होता है इस फील्ड में, मैथ्स लोगों का कमज़ोर होता है, तो उन्होंने पाया कि भाई मैथ्स में नंबर कम है। तो वो सोचते हैं कि ओह ये बात है, यानी इसका मैथ्स में नंबर कम है, यानी ये बच्चा जो है मैथ्स में थोड़ा सा वीक है, या तो ये मैथ्स सॉल्व नहीं करता या मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करता। कभी कभी क्या होता है मैथ्स वीक इसलिए भी होता है क्योंकि आप लोग मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते। जब आप किसी सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि हम अपनी भी तरह हम थे साइंस बैकग्राउंड के, तो मुझे हिस्ट्री बहुत समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था अरे यार इसमें रटने वाली चीज़ों में हम लोग थोड़ा पिछड़ जाते हैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चे। लेकिन मैंने कहा कि यार अगर सिलेक्शन लेना है तो रटना तो पड़ेगा, तो मैंने उस पर कोशिश किया, उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया, उस पर ज़्यादा मेहनत किया, तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई। तो वही चीज़ें होता है कि जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका निरीक्षण करेगा कि आप क्यों, किस वजह से आपने इस फील्ड में यानी कि आप क्यों इस यूपी टेट के रिजल्ट में फेल हुए हैं। तो उन्होंने पाया कि भाई आपका ये जो सब्जेक्ट है वो वीक है, इस वजह से आप इस सब्जेक्ट में फेल हुए। तो ये होता है बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि यानी अपने आप से जाँच करना कि क्यों मैं फेल हुआ। बहिर्दर्शन विधि मतलब कि क्या, कि दूसरा कोई जाँच करके बताएगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल विधि। देखिए ये जो प्रयोगात्मक विधि है ना, इसको कभी कभी इसमें रख दिया जाता है, कभी कभी निरीक्षण विधि में भी रखा जाता है और कभी कभी विवरणात्मक विधि में भी रखा जाता है। क्योंकि निरीक्षण करने के बाद भी प्रयोग होता है और विवरण देने के बाद, मान लीजिए किसी चीज़ का विवरण आपने दिया, कोई चीज़ जिसे मान लीजिए आपका किसी चीज़ का प्रयोग करना है, तो उसके बारे में पहले आप देखेंगे ना, उसके बारे में जांचेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, फिर उस पर विवरण देंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद से उस पर विवरण देंगे, उसके बाद से उसको लेबोरेटरी में ले जाके या कहीं अपने अपने लैब में ले जाके उसका प्रयोग करेंगे। तो लेकिन हमने यहाँ पे इसको अभी अलग माना है, ठीक है, इसको ना इसमें माना है और ना इसमें नहीं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रयोगात्मक विधि निरीक्षण विधि में जाएगी कि प्रयोग विवरणात्मक विधि में जाएगी, ये हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विधियाँ हैं वो मूलतः तीन प्रकार की हैं, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि में भी अंतर्दर्शन विधि आता है जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, और दूसरा आता है बहिर्दर्शन विधि यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। और भी बहुत सारी विधियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो पहला है हमारा जीवन विधि यानी कि केस हिस्ट्री विधि। इसमें बच्चों का केस हिस्ट्री देखा जाता है कि बच्चा कब से पढ़ रहा है, कब से किस सब्जेक्ट में इसका रुझान है, ये केस स्टडी होता है, मतलब केस हिस्ट्री मेथड बोलते हैं। दूसरा है विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंट मेथड, और तीसरा है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि मतलब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है या दो जानवरों की तुलना की जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि भाई जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि अगर लड़ाई हुई शेर में और टाइगर में, जैसे बाघ और टाइगर में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, तो इसमें दोनों की शक्तियों का परीक्षण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, उनको या तो आपस में लड़वाया जाएगा, देखा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा फुर्तीला है और कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो ये होता है तुलनात्मक विधि। चौथा होता है मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी साइको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं इसे। और तीसरा नेक्स्ट होता है हमारा, पाँचवा होता है नैदानिक विधि यानी डायग्नोस्टिक विधि। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आपको कोई एक बीमारी है, तो वो जैसे मान लीजिए कि आपके कोई फोड़ा हो गया, आप चले गए दवा मतलब डॉक्टर के पास, तो वो पूछेगा कि फोड़ा कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या आप ज़्यादा मीठा खाते हो या कम मीठा खाते हो, मतलब वो क्या करेगा, वो नैदानिक परीक्षण करेगा। वो पहले आपके बारे में आपका विवरण लेगा कि ये फोड़ा एक्चुअली में हुआ क्या, कहीं आप ज़्यादा मीठा तो नहीं खाते, कहीं आपके रोएं तो नहीं टूट गए इस वजह से फोड़ा हो गया, वो सारी चीज़ें पूछेगा। उसके बाद से वो डायग्नोस्ट करेगा यानी कि दवा देगा आपको कि ये दवा खा लीजिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नैदानिक विधि। नेक्स्ट होता है सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में कैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्वे किया जाए एक एज के लड़के लड़कियों को पे, जैसे मान लीजिए कि 15 साल की एज के लड़के लड़कियों पे सर्वे किया गया कि 15 साल की एज के लड़के क्या चाहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं, 15 साल की एज की लड़कियां क्या चाहती हैं, वो किस तरीके के कपड़े पहनना चाहती हैं, ये सर्वे किया गया। तो आप अपने लड़कियां अपनी राय देती हैं कि हमको ऐसे कपड़े पहनने पसंद है, हमको वैसे कपड़े पहनने पसंद है। लड़का कहेगा कि मुझे ऐसे रहना पसंद है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब एक एज ग्रुप का सर्वे किया जाएगा। और नेक्स्ट होता है साक्षात्कार विधि यानी कि सातवीं विधि है, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपसे साक्षात्कार किया जाएगा, जैसे आप 4-5 बच्चों को बुला के उनका साक्षात्कार किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं आप लाइफ में, आप अपनी लाइफ के 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपके 10 साल बाद अपने आप को किस स्थिति में देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं साक्षात्कार विधि में यानी कि इंटरव्यू मेथड में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम पहला अध्ययन विधि देखते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि। इसको क्या मैंने बोला था, इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है ई बी टीचनर एवं विलियम वुंड, इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। और यह इन्हीं मतलब इन दोनों ने इनका इस जो विधि है आत्मनिरीक्षण विधि और अंतर्दर्शन विधि का क्या किया, प्रतिपादन किया था, ठीक है। और यह मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है यानी कि ट्रेडिशनल विधि है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो विधि है ये बहुत ही पुरानी विधि है, ठीक है। आत्मनिरीक्षण विधि यानी स्वयं से अध्ययन, मतलब आप अपने आप को अपने आप से ही पूछोगे, अपने मन से पूछोगे कि यार आखिर मैं क्यों इस सब्जेक्ट में मैं फेल होता हूँ, क्यों मेरा मैथ कमज़ोर है, क्यों मेरी हिस्ट्री कमज़ोर है, क्यों मेरा ऐसा है, क्यों मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, ये आप खुद का मतलब क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन विधि बोले। और ये क्या है, यह वस्तुनिष्ठ है यानी कि सब्जेक्टिव है, आप क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं ना अपने आप से कि आखिर क्या वजह रहा कि मैं यूपी टेट में फेल हो गया, किस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए, क्यों मैंने इस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, क्यों मुझसे इस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आए, क्या ऐसा कारण रहा, ये क्या है, सब्जेक्टिव है यानी आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसमें अध्ययनकर्ता कौन रहता है, व्यक्ति स्वयं रहता है, क्योंकि आप खुद का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें अध्ययनकर्ता क्या हुए, आप खुद हुए, क्योंकि आप खुद से अपने आप के बारे में अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्यों मेरा इस सब्जेक्ट कम रहा, किस कारण से मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, या किस कारण से ये मेरा रिजल्ट में जो आया है उसमें मैं फेल कर गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अध्ययनकर्ता आप स्वयं होते हैं, ये एक परंपरागत विधि है, और ये एक व्यक्तिनिष्ठ विधि यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। इसका गुण क्या है, तो गुण क्या है कि इसमें गुण ये है कि व्यक्ति की मनोदशा के विषय में शीघ्र जानकारी मिल पाती है। जब अपने आप से आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझसे कोई पूछे कि आपको हिस्ट्री क्यों टफ लगता है,
तो मैं कहूँगा कि मुझे हिस्ट्री इसलिए टफ लगता है क्योंकि मैं बचपन से ही मैथ साइंस पढ़ा हूँ और मुझे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ने की आदत रहा है। मुझे मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे रटने वाली सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा बचपन में, और ना ही मैंने कभी पढ़ाई की। इंटर में जब मैं हिस्ट्री उस्ट्री कभी पढ़ा भी, जैसे टेंथ वेंथ तक, तो वो मैंने बस याद करने के लिए, बस ऐसे कि एग्ज़ाम बस उस सब्जेक्ट में पास हो जाऊँ, कभी इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा। तो उससे ये पता चला गया मुझे कि भाई इसमें मुझे क्या पता चला कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था, हिस्ट्री ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की मनोदशा के विषय में शीघ्र जानकारी मिलती है। तो इसका दोष क्या है? इसका दोष यह है कि इस विधि में वैज्ञानिकता का अभाव है, क्योंकि आप अपने आप से अपने आप का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब खुद से खुद का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। मैं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही तो चीज़ों को सोचूंगा, ठीक है, तो मेरी बुद्धि अभी उस लेवल की तो है नहीं, तो इसलिए कि मैं इसमें क्या होता है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होगा। और ठीक है, और नेक्स्ट है आत्मनिरीक्षण के लिए स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना पड़ता है, जिस कारण व्यक्ति का ध्यान दो भागों में बट जाता है। देखिए, आप तो एक तो अपने आप का ही आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ये सोच रहे हैं कि भाई क्यों, क्या पूछ रहे हैं कि क्यों मैं फेल हो गया, किस कारण फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, और उसके बाद से आप खुद का एक एनालिसिस भी करके उसके बारे में उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसमें दो चीज़ों में आपका दिमाग बट जाता है। ठीक है, तो ये इसका दोष हो गया। गुण क्या हुआ? इसमें शीघ्र मतलब विषय में शीघ्र जानकारी मिलती है। दोष क्या हुआ? इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है और हमारा दिमाग दो भागों में बट जाता है। तो ये है आत्मनिरीक्षण विधि। अब हमारा नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो CDP है, यानी कि बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये आपके रीट में, DSSSB में और आपका सुपर टेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा। DSSSB तो 100 नंबर की CDP अकेले आती है, तो DSSSB पास करना है तो आपको समझ लीजिए कि आपको CDP पढ़ना ही पड़ेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करिए, इसको हल्के में ना लीजिए, और इतना आराम से और इतना ईजी लैंग्वेज में CDP आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ विधि या निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। यह क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति या बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करके उसका मानसिक अनुमान लगाना होता है। जैसे कोई व्यक्ति है या बालक है, इसका क्या करेंगे आप, जैसे कि वो देखेंगे कि वो क्या करता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, उसको किस चीज़ में रुचि है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, किस सब्जेक्ट में उसका ज़्यादा मन लगता है, किस सब्जेक्ट में उसका कम मन लगता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, बहुत बारीकी से देखा जाता है कि वो उसका इंटरेस्ट किस में, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है कि खेल की एक्टिविटी में मतलब ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, या उसको कौन से खाने ज़्यादा पसंद है, कौन सा खाना कम पसंद है, मीठा ज़्यादा पसंद करता है कि तीखा ज़्यादा पसंद करता है। तो ये होता है वस्तुनिष्ठ विधि में। और इसमें परीक्षक जो होता है, यानी इन्वेस्टिगेटर होता है, अपने विषयों का अध्ययन करके पूर्वानुभव का लाभ उठाता है। इसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, अब मैं अपने बच्चों को देखूंगा कि भाई मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मैं देखूंगा कि हमारे बच्चे, मतलब मैं जिस बच्चों को पढ़ाता हूँ उनका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है, वो किस सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, किस सब्जेक्ट में उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम है, उनको पढ़ाने का तरीका क्या है, उनको मतलब कि खेल खेल में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ऐसे मतलब आते ही तुरंत लेक्चर देना शुरू कर दिए, चलो किताब खोलो और ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, ये टेबल याद करो वो टेबल याद करो, इस तरीके से पढ़ाते तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है, कि या उनको मैं खेल खेल में जैसे दो बच्चों को उठा दिया, टेबल पढ़वा दिया उनसे, फिर उन दो बच्चों उसको शाबाशी दे दिया, अरे वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देखिए इन्होंने टेबल, उसके बाद से उसके बदले उसको एक मिठाई दे दी गिफ्ट के तौर पर, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अरे यार सर तो बड़े अच्छे हैं, मैंने बताया आज पढ़ाया टेबल और मुझे गिफ्ट भी मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, दूसरा बच्चा भी मोटिवेट होगा। तो इसमें क्या होता है, जो परीक्षक होता है, अब इसमें क्या है, मैं अपने पूर्व अनुभव का लाभ उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बचपन में जब मुझे पढ़ने के लिए कहा कि कहे पढ़ ले बेटा पढ़ लोगे तो तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे, लड़की अच्छी शादी मिलेगी, या आपके पढ़ ले बेटा टेंथ पास कर जाएगा तो तुम्हारे लिए साइकिल खरीद देंगे, पढ़ ले बेटा इंटर पास कर जाएगा तुम्हारे लिए ये लेते आएंगे। तो उस लालच से कभी कभी हम लोग पढ़ाई करते थे। तो ये क्या है, ये मेरा पूर्वानुभव है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सीखा है, मेरे घर वालों ने हम लोग साथ ऐसा किए हैं।
ठीक है, जब मैं बचपन में छोटा था तो जब खाना नहीं खाते थे, कहती मम्मी कहती थी कि खा ले बेटा, खा लेगा बड़ा हो जाएगा तो इस धरती में से एक सुंदर सी लड़की निकलेगी, उससे तुम्हारी शादी कराई जाएगी। तो ये क्या है, ये मेरा पूर्व अनुभव है, मुझे पता है कि लड़के को खाना कैसे खिलाना है, लड़के को पढ़ाई किस तरीके से उनको पढ़ाना है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा पूर्वानुभव है, यानी परीक्षक जो होगा वो अपने विषय का अध्ययन करके पूर्वानुभव का लाभ उठाएगा। यही है वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि है। और इसके प्रतिपादक कौन है, बहुत पूछा गया है, तो इसके प्रतिपादक वाटसन साहब हैं, ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये वाटसन साहब हैं। और काल्सनिक के अनुसार, काल्सनिक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके अनुसार इस विधि के दो प्रकार हैं, पहला औपचारिक निरीक्षण यानी कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। औपचारिक निरीक्षण क्या होता है कि औपचारिक निरीक्षण में व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण एवं व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण जो होता है वो नियंत्रित दशाओं में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की की शादी होनी है, वो लड़की क्या है कि भाई लड़की को देखने वाले आए हैं, अब वो लड़की क्या हुई कि एकदम मतलब उसको पता है कि हमें लड़के के घर वाले देखने आएंगे, तो अपने व्यवहार जो उसका एक्चुअल में जो व्यवहार है वो उस व्यवहार को कहीं साइड में रख के वो एकदम सीधी साधी एकदम बढ़िया मतलब समझने की एकदम सुशील लड़की बनने की प्रयास करेगी। वो बढ़िया से जाएगी, बढ़िया से उसको सजाया धजाया जाएगा, वो जैसे मूवी में नहीं दिखाता है कि ट्रे में चाय लेके और वो जाएंगी और अपना वो सबको देंगी, सबको नमस्ते करेंगी, सबसे हंस के बात करेंगी और इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेगी कि मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। ये अब प्रथम दृष्टिया लोगों को लगता है यार लड़की तो बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे इसके संस्कार हैं, और पता चला जब इस तरीके से जब वो चले गए उसके बाद से उसका असली रूप निकल के आता है। तो ये था औपचारिक निरीक्षण यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें लड़की को पता है कि हमें कोई देखने वाला है, तो उसने अपने बिहेव को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, वो जिस तरीके के बिहेव की थी उस बिहेव को चेंज करके सबके साथ हंस हंस के बात करना, सबका सम्मान करना, सबका पैर छूना, ये सब चीज़ें उसमें आ गई। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि हमें क्या हो रहा है, उसको पता है कि हमको लड़के वाले देखने आए हैं। और एक होता है औपचारिक निरीक्षण यानी कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। एक कभी कभी क्या होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे, मैं घर पे आके निरीक्षण नहीं करूँगा, आप लड़की को बुला दीजिए किसी मंदिर में, ठीक है, लड़की को नहीं पता होना चाहिए कि लड़की के घर वाले उसको देखने आ रहे हैं, ठीक है, तो वो दूर आते हैं और देखते हैं, मतलब किसी मंदिर में लड़की गई और वो उसको देख लेते हैं कि भाई हाँ ये ठीक है, तो वो देख रहे हैं कि भाई जो लड़की है वो फुल्की की दुकान पे गई है और फुल्की वाले से फुल्की खाने के बाद उसका पानी पीने के लिए मतलब फुल्की का पानी के लिए फुल्की वाले से झगड़ा कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, दिल पे मत लीजिएगा, मैं बस आप लोगों को समझाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि औपचारिक निरीक्षण विधि वो विधि होते हैं जिसके बारे में देखा जाता है, जिसका निरीक्षण किया जाता है उसको पता नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अपने आप को एग्जांपल मान लूँ, तो मान लीजिए कि मुझे देखने के लिए लड़की के घर वाले आए हैं, ठीक है, लड़की के पापा आए हैं और मुझे नहीं पता है, अनौपचारिक निरीक्षण विधि के मैं बता रहा हूँ एक बेस्ट एग्जांपल, मुझे देखने वाले नहीं आए, मतलब मुझे जो देखने वाला है वो मुझे नहीं पता है कि मुझे कोई देखने वाला है, मेरी शादी की बात चल रही, मतलब मेरे मम्मी पापा को पता है लेकिन मुझे नहीं पता है, और मैं बीच चौराहे पे अपने दोस्तों के साथ सुट्टा उड़ाते हुए आपस में बात कर रहा हूँ, तो वो ये होता है क्या कि मुझे कोई आके देख भी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये इससे क्या मुझे, इससे उसको क्या पता, जो हमें निरीक्षण करना है उनको क्या पता चला, उनको ये पता चला कि भाई हमारा एक्चुअल में बिहेव कैसा है। मैं अगर मान लीजिए कि मुझे बताया जाता कि यार ऐसा है कि तुम्हें लड़की के पापा देखने आए, तो हम भी खूब बढ़िया बाल में जेल वेल लगा के, बढ़िया से परफ्यूम लगा के, बढ़िया कपड़ा पहन के, इस तरीके से तो हाफ पैंट पहन के दोस्तों के साथ औपचारिक निरीक्षण में सुट्टा मार रहा हूँ, और इस तरह पता होगा भाई मुझे कोई देख रहे तो बढ़िया से एकदम कायदे से बढ़िया से शर्ट वर्ट बढ़िया से पैंट वेंट पहन के खूब बढ़िया से एकदम आराम से बात करते हुए और मतलब अपने आप को वेल मेंटेन करके मैं बैठता और जी हाँ हाँ जी ऐसे करके बातें करता। तो ये होता है, एक होता है अनौपचारिक निरीक्षण और औपचारिक निरीक्षण में कि हमें पता है तो हम अच्छे से मैनर से बात करेंगे, हाँ अंकल ये है वो है इस तरीके से बात करेंगे, और अनौपचारिक निरीक्षण में जैसे कि मुझे पता ना हो और मेरा कोई निरीक्षण कर रहा है, तो ये होता है अनौपचारिक निरीक्षण। यानी अब आप इन दोनों में अंतर समझ गए। इसके गुण क्या हैं, तो इसका गुण ये है कि बाल अध्ययन में यह विधि उपयोगी होती है और छात्र अध्यापक छात्रों के व्यवहार में
परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि भाई इसके द्वारा आप जो अध्यापक है वो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि भाई इस बच्चे को क्या चाहिए, ये किस तरीके से पढ़ना चाहता है, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा उसको। तो धीरे धीरे जब उसको उसी मेथड से पढ़ाऊंगा तो जब उसके अंदर ज्ञान आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो अनसेंसियर वाली काम नहीं करेगा, वो धीरे धीरे बाद में जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंज आएगा और वो क्या होगा, सेंसियर बच्चा हो जाएगा। इसके दोष क्या हैं कि इसमें दोष क्या है कि इसमें प्रयोगकर्ता के ऑब्जर्वेशन पर ही परीक्षण आधारित होता है। अब भाई जैसे मान लीजिए कि मैं बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो ये इसमें क्या है कि इसमें मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसी पर आधारित रहेगा उस बच्चे का व्यवहार, कि मैंने जिस तरीके से उसको डेवलप किया। ठीक है, इसीलिए तो व्हाट्सएप साहब ने कहा था कि मुझे एक दर्जन बच्चे दे दो और मैं उसको जैसे चाहूँगा वैसे, तुम जैसे कहोगे उस बच्चे को मैं वैसा बना दूँगा, और तुम कहोगे कि मुझे इस बच्चे को डॉक्टर बना तो मैं डॉक्टर बना दूँगा, अगर तुम कहोगे कि मुझे इस बच्चे को इंजीनियर बना तो इंजीनियर मैं बना दूँगा, अगर तुम कहोगे कि इस बच्चे को उग्रवादी बना तो मैं उग्रवादी भी बना दूँगा। इसीलिए इसको क्या वॉटसन साहब ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक विधि, और ये हमारी लास्ट विधि है। 8 मेथड हैं, इसको हम आज 3 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, तो विलियम वुंट हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को, और यह एक वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक विधि क्या होता है, वैज्ञानिक विधि, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ का प्रयोग कौन करेगा, या तो जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे किसी के व्यवहार का ही अध्ययन करना है या व्यवहार पे प्रयोग करना है कि इसका व्यवहार एक्चुअल में कैसा है, तो किसी साइकेट्रिस्ट पास आप जाएंगे, वो बताएगा आपको, आपके बारे में जानेगा, आपका बिहेव कैसा है, आप किस बात पर हंसते हैं, किस बात पर रोते हैं, आपका किस बात पर कैसा रिएक्शन होता है, उसकी जांच पड़ताल करेगा, तो उसके बाद से वो उस पर अध्ययन करेगा अपने लैब में जाके। ठीक है, तो ये क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है, एक वैज्ञानिक विधि होता है। इसमें क्या होता है कि वे तथ्य या सामग्री जो परीक्षण में बाधा डालती है उन्हें प्रयोगशाला से बाहर कर दिया जाता है या बाहर रोक दिया जाता है। इसमें गुण क्या है, इसमें गुण ये है कि इसमें इस विधि में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, अतः इससे निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। भाई सब कुछ किसके कंट्रोल में रहेगा, जो प्रयोग कर रहा है उसके कंट्रोल में रहता है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें निष्कर्ष, इसके जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलेगा उसमें विश्वसनीयता क्या होती है, अधिक होती है। दोष क्या होता है कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्षों में कृत्रिमता या का गुण पाया जाता है। अब ये कैसे पाया जाएगा भाई, कृत्रिमता क्यों आ जाएगी, आर्टिफिशियलिटी क्यों आ जाएगी, आर्टिफिशियल क्यों हो जाएगा वो उसका निष्कर्ष, तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है। मान लीजिए कि मैं किसी मनोवैज्ञानिक के पास गया कि मुझे ये पता है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, तो मनोवैज्ञानिक के पास जाए, अब वो जब उससे पुस्तक पूछेगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग जवाब दूंगा ना, हो सकता है कि मैं जिस चीज़ पे गुस्सा करता हूँ वो एक्चुअल चीज़ में उसे ना बताऊँ। मैं उसके पास गया और कहा कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आप किस चीज़ की वजह से चिड़चिड़े होते हैं, तो मैं कहा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, किसने कहा कि मुझे गुस्सा आता है। जैसे आप जब घर में किसी चीज़ पर नाराज़ हो जाते हो अपने मम्मी पापा से, तो आपकी मम्मी जब आके पूछती कि बेटा क्यों नाराज़ हो, बताओगी कुछ, तो कहते हो मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला, मेरा हक ही क्या है तुमसे नाराज़ होने के लिए, मैं तो बस ऐसे हूँ, मैं ऐसे ही नाराज़ हूँ, मतलब आप बताते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका जो निष्कर्ष है, आपने जो निष्कर्ष जो निकला वो क्या, मम्मी को क्या निष्कर्ष निकला, अरे अभी नाराज़ हो गया है, बता ही नहीं रहा है किस बात पर नाराज़ है, तो आपकी मम्मी को क्या होगा, आपकी मम्मी को नहीं पता चलेगा कि आप किस वजह से नाराज़ हैं। तो इसलिए इसमें क्या है कि इस विधि में क्या है, प्रयोगात्मक विधि में के जो निष्कर्ष होता है उसमें क्या आते हैं, कृत्रिमता आ जाती है, यानी कि आर्टिफिशियलनेस आ जाता है। क्यों, क्योंकि आप जो बताएंगे वही तो मनोविश्लेषक उसी के बारे में उसी का प्रयोग करेगा ना, उसी का प्रयोग करके वो निष्कर्ष निकालेगा कि भाई आप, जैसे कि मैंने मम्मी 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 वाला एग्जांपल बताया ना कि आप घर से नाराज़ भी हैं, आपको किसी वजह से नाराज़गी भी है, और आपकी मम्मी जब आपके पूछ रहे हैं, आपके पापा आके पूछ रहे हैं कि बेटा किस लिए तुम नाराज़ हो, तो आप बता भी नहीं रहे और आप नाराज़ भी हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि भाई जो निष्कर्ष निकला वो सही नहीं निकला, वो कृत्रिम हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि आपने जो बताया उसी के अकॉर्डिंग मम्मी पापा ने
अथी निष्कर्ष निकाला कि अरे ये ऐसे ही पागल है, ऐसे ही नाराज हो जाता है, बता ही नहीं रहा है। तो ये होता है। और अब प्रयोगात्मक विधि के कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सोपान होते हैं, उसको भी हम लोग देख देते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि के सोपान या चर यानी लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें समस्या की पहचान की जाती है। सबसे पहले समस्या की पहचान, क्योंकि आपके मम्मी पूछती ना कि बेटा प्रॉब्लम क्या है, नाराज़ क्यों हो, तो क्या वो क्या पूछना चाहती हैं, वो पूछ रही हैं कि आपकी समस्या क्या है, किस बात पे तुम नाराज हुए हो। तो वो क्या कर रही हैं, वो समस्या की पहचान कर रही हैं। पहचान करने के बाद एक क्या होगा, जब उनको पता चले कि बेटा जो है मेरा, बेटा है जो मेरा लाल है, जो मेरा राजकुमार है, वो इस वजह से नाराज है, तो वो क्या करें, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे यानी परिकल्पना का निर्माण करेंगे। और उस परिकल्पना का निर्माण जब हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे, उस प्रयोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। जैसे मान लें कि आपने, जैसे मान लें कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, उसको किसी चीज़ की खोज करना है, तो पहले किसी चीज़ को ढूंढना चाहता है, तो क्या करें, पहले समस्या देखेगा कि आखिर क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं ढूंढ पा रहा है। तो पहले समस्या की पहचान करेगा, उस समस्या का जब पहचान हो जाएगा, जब उसको पता चले कि वो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये चीज़ अभी तक नहीं खोजा गया, तो वो क्या करेगा, उसके बाद से जब उसको पता चलेगा तो एक उस पर वो एक हाइपोथेसिस गढ़ेगा। वो जैसे मान लीजिए कि आप मैथ हैं, मैथ पर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सही समझ में आएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया, आपको आपने उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछेगा कि भाई मान लीजिए इसका मान बताइए, तो क्या है, वो एक समस्या है। तो आपने उस समस्या का पहचान कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे भाई ये पूछ रहा है, तो ये जो मान पूछ रहा है ये किस फॉर्मूले से को लगाएंगे, तो उस फॉर्मूले से हमें आएगा। तो हमने पता चला कि भाई ये वाला फार्मूला हमने लगाएंगे तो शायद हो सकता है कि मेरा ये जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो आपने एक परिकल्पना गढ़ा यानी फार्मूला गढ़ा, उस फार्मूले का प्रयोग किया उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने उस फार्मूले को डिजाइन किया और उस फार्मूले का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, जब आपको उस प्रयोग करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हाइपोथेसिस को पुट करेंगे, तो हमें पता चला कि भाई चलो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम इसका जब हमने वैल्यू भी पुट कर दिया यानी कि जो मान है जो क्वेश्चन में जो चीज़ें दिया था उसको मैंने पुट किया, तब हम क्या करेंगे, अब हम उस रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, रिजल्ट मेरा सही आया कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को जब होमवर्क देता हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं करते सर ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, आप मतलब कि आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो सर जो मेरा रिजल्ट आया है इसका विश्लेषण आप करिए कि क्या मैंने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं। अगर वो क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट का प्रस्तुतिकरण आप करते हैं कि सर ये रहा मेरा रिजल्ट, ये रहा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहली बार आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने कहा कि नहीं मेथड आपका सही है, आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती किया है, इस वजह से आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल पाया, तो आप गए फिर एक बार उसको चेक करें और उसके बाद से आपका रिजल्ट सही आया, तो क्या है, रिजल्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ। तो ये हो गया प्रयोगात्मक विधि। यानी आज हमने तीन विधियाँ पढ़ी और तीनों विधियों को अच्छे से समझा। अब जो नेक्स्ट आपकी पांच विधियाँ वो अगले वीडियो में हम उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, वो दो वीडियो में ख़त्म होगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आप समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रयोगात्मक विधि, क्या होता है अंतर निरीक्षण विधि, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।